अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इसके होम रेमिडीज़ क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों की के इस्तेमाल से आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन आखिर होता क्या है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आपका स्टूल्स जो हैं वो एक वीक में 3 बार से कम पास होते हैं। ठीक है, अगर ये 3 बार से कम पास हो रहा है तो बहुत कम पास हो रहा है, ये इसका मेन रीज़न है इनडाइजेशन। फिर उसके बाद इसमें जब आपको कब्ज़ या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें आपके जो स्टूल्स हैं या फिर फीसस हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और उसमें ड्राई भी होते हैं। फिर उसके बाद जब आप पास करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपको। तो ये था हमारा कॉन्स्टिपेशन। देखिए, वो ये 20% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है। इसे कैसे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है फूड जब आप वो ले रहे हैं तो हो सकता है। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद फूड हैबिट्स की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ मेडिसिंस ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन लाते हैं। फिर उसके बाद कुछ डिसीज़ में भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर उसके बाद बहुत बार ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब इसका कोई रीज़न नहीं होता, इसका कोई काज नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जब होता है तो इडियोपैथिक होता है, विथआउट एनी रीज़न होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके होम रेमेडीज़ के बारे में, किन किन चीज़ों से आप इसे रोक सकते हैं और बचा सकते हैं। सबसे पहला तो है वाटर इनटेक। देखो, बहुत सारी चीज़ों में मैंने वाटर का जिक्र किया है। देखिए, वाटर की इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी के लिए, इन वाटर का इनटेक ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो बॉडी में पानी का जो लेवल है वो ठीक रहता है। जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता वाटर, तो इसकी वजह से स्टूल्स ठीक मतलब जो नॉर्मल रहना है उतना रहेंगे तो इजी से पास हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में पानी कम है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, तो इसे आप तो वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं। जब ये स्टूल्स बनते हैं वहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जब ये वाटर वहाँ से अब्जॉर्ब करता है तो आपके स्टूल्स में पानी की मात्रा कम हो जाती है और ये स्टूल्स हार्ड होते हैं और ड्राई होते हैं। इसकी वजह से आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो फेस करना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे फूड्स को लेना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। ठीक है, फाइबर्स में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सॉल्युबल फाइबर्स और एक नॉन सॉल्युबल फाइबर्स। जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो पानी में डिजॉल्व होंगे और जो नॉन सॉल्युबल इनसॉल्युबल हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। देखिए, जब आप फाइबर्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो उनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, वो जो बावल मूवमेंट्स हैं, जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं उसे बढ़ाती हैं। जब ये बढ़ाती हैं तो ईजी से स्टूल्स पास हो जाते हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नॉर्मल और कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जो गट की मूवमेंट है वो मेंटेन रहती है और गट की मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। जब ये ज़्यादा होती है तो आसानी के साथ लूज़ आपके जो स्टूल्स हैं वो आसानी से पास होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए और जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो आपको ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ये देखा गया है कि पानी के मुकाबले में कॉफ़ी बहुत अच्छा लैक्सेटिव की तरह काम करता है, जो बबल मोमेंट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूल्स हैं वो आसानी के साथ पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेना पाउडर या फिर सना के पत्ते जो हम कहते हैं, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छा लैक्सेटिव की तरह काम करता है। देखिए, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके कुछ देखना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट ना हो, लैक्टेटिंग ना हो, और जो 12 साल के बच्चे हैं, 12 साल के अंदर के बच्चे हैं उनको ये नहीं देना है।
क्योंकि ये उनके लिए अनसेफ होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स जब आप लेते हैं तो गट फ्लोरा को इंक्रीज़ करते हैं। जब गट फ्लोरा को इंक्रीज़ करते हैं तो अच्छे से डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। जब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ठीक से होता है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गर्म पानी की। ठीक है, गर्म पानी से भी आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो उससे पहले आप गर्म पानी का एक गिलास पीकर अगर आप सो गए सुबह में अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा एक रेमेडी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइड फिक्स के, जिसे हम अंजीर कहते हैं। वो अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। इसे आप 1 से 2 फ्रूट आप लेकर पानी में भिगो कर अच्छे से पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो सकता है। और जिसकी वजह इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारे बवल्स मूवमेंट्स है उसे बढ़ाते हैं और एक अच्छा लैक्सेटिव की तरह काम करता है। आप ड्राइड फिक्स भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुनक्का की। देखिए, मुनक्का में भी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। इसे यूज़ करते वक्त इसके जो बीज है उसे निकालना चाहिए। अगर आप बीज के साथ इसे खा रहे हैं, 6 या 7 आपको लेना है, अगर खा रहे हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा। इसीलिए है जब आप मुनक्का लेते हैं तो उसके बीज निकाल कर खाएँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोम की। देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। आपके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करता है। आप इसे और ये जो गट के मसल्स जो हैं उसे रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आसानी के साथ स्टूल्स पास होते हैं। फिर इसमें पानी में भी अगर आप बॉयल करके पी सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं OTC के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। अगर आपको इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है या फिर इन सब चीज़ों में किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई एलर्जिक होते हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है ये सब लेने से, तो आप ओवर द काउंटर आप बिसाकोडाइल मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट मिलता है वो आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा OTC ओवर द काउंटर आपको बहुत से लैक्सेटिव मिल जाएंगे, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, लैक्सेटिव का काम है जो हमारे बाउल मूवमेंट्स है उसे बढ़ाना। अगर ये बढ़ाता है तो आसानी के साथ फीसस या फिर जो हमारे मोशंस हैं वो आसानी के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा कॉन्स्टिपेशन का और कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।